नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में बीते कुछ दिनों में कोरोना बहुत तेजी से फैला है। करीब 80 से 85,000 केस हर रोज सामने आ रहे हैं। इस बीच एक स्टडी में कहा गया है कि देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने में सुपर स्प्रेडर की बड़ी भूमिका रही है। स्टडी के मुताबिक 8% संक्रमितों से कुल संक्रमितों की 2/3 लोगों में संक्रमण फैला है। साइंस जर्नल में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर की गई ये स्टडी छपी है। विश्लेषण करने वाले अनुसंधानकर्ताओं में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकार के रिसर्चर्स भी शामिल हैं। इसमें 84,965 कन्फर्म मामलों के संपर्क में आए 5,75,071 लोगों में बीमारी के संक्रमण के तरीके का आकलन किया गया। स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमितों का 10वां हिस्सा सुपर स्प्रेडर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इनकी वजह से ही 60% केस बढ़े हैं। इसमें पाया गया है कि देश के कोविड-19 के 70% से ज्यादा मरीजों ने अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को संक्रमित नहीं किया, बल्कि 8% संक्रमित 60% लोगों को संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। स्टडी के मुताबिक विकसित देशों की तुलना में भारत में 40 साल से 69 वर्ष तक की आयु वर्ग में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने आए हैं और मृतकों में भी इसी आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। अध्ययन में पाया गया है कि मृतकों में 63% लोग ऐसे हैं जो पहले से किसी एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे और 36% लोगों को पहले से 2 या अधिक बीमारियां थी। मृतकों में से 45% लोग डायबिटीज से पीड़ित थे। आपको बता दें कि सुपर स्प्रेडर किसी भी संक्रमण को सबसे ज्यादा फैलाने वाले लोगों को कहा जाता है। कोरोना वायरस के वो लोग जो कई लोगों के संपर्क में आते हैं और फिर अनजाने में वायरस के कैरियर्स बन जाते हैं, इनसे कोरोना वायरस कई लोगों में फैल जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 81,484 नए मामले सामने आए हैं और 1,095 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। अब देश में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 63,94,069 हो गई है, जिसमें से 9,42,217 सक्रिय मामले हैं, 53,52,078 रिकवर मामले हैं और 99,773 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।